कहानी। बच्चों, आज हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। कहानी में हम जानेंगे कि गणेश जी का प्रागट्य कैसे हुआ तथा गणेश जी का श्री विग्रह हमें कैसी सुंदर प्रेरणाएं देता है, जो इंद्रिय गणों का, मन बुद्धि गणों का स्वामी है। उस अंतर्यामी विभु का ही वाचक है गणेश शब्द। गणानाम पति ही इति गणपति ही, उस निराकार परब्रह्म को समझाने के लिए ऋषियों ने और भगवान ने क्या लीला की है। कथा आती है, भगवान शिव जी कहीं गए थे। माता पार्वती जी ने अपने योग बल से एक बालक पैदा कर उसे चौकीदारी करने रखा। शिव जी जब प्रवेश कर रहे थे तो वो बालक रास्ता रोक कर खड़ा हो गया और शिव जी से कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। शिवजी ने त्रिशूल से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती जी ने गणेश जी के बारे में जब भगवान शिवजी को बताया, तब शिवजी बोले, अच्छा अच्छा, ये तुम्हारा मानस पुत्र है। चलो, तुम्हारा मानस पुत्र है तो हम भी इसमें अपने मानसिक बल की लीला दिखा देते हैं। शिवजी ने अपने गण को कहा, जाओ, जो भी प्राणी मिले उसका सिर ले आओ। गण हाथी का सिर ले आए और शिवजी ने उसे बालक के धड़ पर लगा दिया। सर्जरी की कितनी ऊंची घटना है। बोले, मेरी नाक सर्जरी से बदल दी, मेरा फलाना बदल दिया। अरे, सिर बदल दिया भोले बाबा ने, कैसी सर्जरी है। और फिर इस सर्जरी से लोगों को कितना समझने को मिला, समाज को अनोखी प्रेरणा। गणेश जी के कान बड़े सूपे जैसे हैं। वे ये प्रेरणा देते हैं कि जो कुटुंब का बड़ा हो, समाज का बड़ा हो, उसमें बड़ी खबरदारी होनी चाहिए। सूपे में अन्नधान में से कंकड़ पत्थर निकल जाते हैं, असार निकल जाता है, सार रह जाता है। ऐसे ही सुनो लेकिन सार सार ले लो। जो सुनो वो सब सच्चा न मानो, सब झूठा न मानो, सार सार लो। ये गणेश जी के बाह्य विग्रह से प्रेरणा मिलती है। गणेश जी की सूंड लंबी है, अर्थात वे दूर की वस्तु की भी गंध ले लेते हैं। ऐसे ही कुटुंब का जो आगेवान है, उसको कौन, कहां, क्या कर रहा है या क्या होने वाला है, इसकी गंध आनी चाहिए। हाथी के शरीर की अपेक्षा उसकी आंखें बहुत छोटी हैं, लेकिन सुई को भी उठा लेता है हाथी। ऐसे ही समाज का, कुटुंब का अगुआ सूक्ष्म दृष्टि वाला होना चाहिए। किसको अभी कहने से क्या होगा, थोड़ी देर के बाद कहने से क्या होगा, तोल मोल के बोले, तोल मोल के निर्णय करे। भगवान गणेश जी की सवारी क्या है, चूहा। इतने बड़े गणपति चूहे पर कैसे जाते होंगे। ये प्रतीक है समझाने के लिए कि छोटे से छोटे आदमी को भी अपनी सेवा में रखो। बड़ा आदमी तो खबर आदि नहीं लाएगा, लेकिन चूहा किसी के भी घर में घुस जाएगा। ऐसे छोटे से छोटे आदमी से भी कोई न कोई सेवा लेकर आप दूर तक की जानकारी रखो और अपना संदेश, अपना सिद्धांत दूर तक पहुंचाओ। ऐसा नहीं कि चूहे पर गणपति बैठते हैं और घर घर जाते हैं। ये संकेत है आध्यात्मिक ज्ञान के जगत में प्रवेश पाने का। गणेश विसर्जन का आत्मोन्नति कारक संदेश। गणेश जी की मूर्ति तो बनी, नाचते गाते विसर्जित भी की, निराकार प्रभु को साकार रूप में मानकर फिर साकार आकृति भी विसर्जित हुई। लेकिन इस भगवत उत्सव में नाचना, कूदना, झूमना तुम्हारे दिल में कुछ दे जाता है। रॉक व पॉप म्यूजिक पर जो नाचते कूदते हैं उनको भी कुछ दे जाता है, जैसे सेक्सुअल आकर्षण, चिड़चिड़ा स्वभाव, जीवन शक्ति का ह्रास। लेकिन गजानन के निमित्त जो नाचते गाते झूमते हैं, उन्हें ये उत्सव सूझबूझ दे जाता है कि सुनो सब, लेकिन छान छान कर
सार सार ही मन में रखो, दूर की भी गंध तुम्हारे पास होनी चाहिए। छोटे से छोटे आदमी का भी उपयोग करके अपना दैवी कार्य करो।